कवि और उसकी कृति कार्यक्रम में मैं मधुरा आपका तह दिल से स्वागत करती हूँ दोस्तों पिछली बार जब हम मिले थे तब हमने जाना था हरपल उत्सव किताब में से प्रतिज्ञा इस कविता के बारे में जो लिखी है सीता गुप्ता जी ने हम प्रतिज्ञा के ऊपर बात करते हुए हम बोल रहे थे कि प्रतिज्ञा अगर हमें पूरी करनी है तो शिक्षा की जरूरत होती है वैसे ही संस्कारों की ज़रूरत होती है और भगवान से शक्तियाँ लेने की भी ज़रूरत होती है तो इसी बात को आगे दोहराते हुए आज भी हम प्रतिज्ञा कविता के बारे में बात करने वाले हैं उसका एक छंद जो है जो बहुत ही प्यारा है उसके ऊपर हम बात करेंगे और उसी के साथ साथ आज हम एक मुक्तक के बारे में भी जानने वाले हैं जो लिखा है सीता गुप्ता जी ने तो पहले हम जानते हैं प्रतिज्ञा कविता के बारे में उस छंद के बारे में नमस्ते सीता जी नमस्कार आपका फिर से स्वागत हर पल उत्सव आपने किताब लिखी है और आपसे आपके साथ मैं जब भी बातें करती हूँ तो वो हर पल उत्सव में महसूस करती हूँ और पिछली बार जब हम मिले थे तो हमने प्रतिज्ञा कविता के बारे में जाना था तो उसी बात को आगे दोहराते हैं आपने इसका जो आखिरी छंद है उसमें कहा है हम बने भुजाए भगवान की हम बने भुजाए भगवान की पतित धरा को पावन कर दे प्रेम के सागर के हम बच्चे प्रेम के सागर के हम बच्चे सबकी झोली में सुख भर दे बने दधीची धर्म यज्ञ में अपने तन मन और प्राण दे दुख दर्द के पड़े भवर में दुख दर्द के पड़े भंवर में उस मानवता को आज त्राण दे तुम हो दाता तुम हो दाता के बच्चे तुम हो दाता के बच्चे सबको देना ही उपकार मान ले नए वर्ष के प्रथम प्रहर में कितनी अच्छी प्रति प्रतिज्ञा आपने की है आपने भगवान को प्रेम का सागर कहा है बहुत ही अच्छी उपमा है आपने इसमें क्या दर्शाया है भगवान प्रेम का सागर दया का सागर शांति का सागर हम बचपन से कहते आए हैं न हाँ बिल्कुल तो मैं उस भगवान की बच्ची हूँ तो जो उसके गुण वो मेरे गुण बिल्कुल बिल्कुल तो अगर हम मान के चलेंगे कि वो प्रेम का सागर है और मैं उसकी संतान हूँ हाँ तो मेरे अंदर उसके गुण आने चाहिए तो जी। आने चाहिए तो वो परिलक्षित भी तो होने चाहिए लोगों को दिखने भी तो चाहिए वो कैसे दिखेंगे मेरी वाणी से मेरे व्यवहार से बिल्कुल बिल्कुल लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भगवान के गुण हमें धारण करने हैं यानी कौन से गुण धारण करने हैं प्रेम का दया का शांति का अहिंसा का लेकिन ये गुण धारण करना आजकल का जमाना ऐसा हुआ है कि बहुत कठिन हो गया है तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे इसी के लिए हम कल कह रहे थे कि हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी चाहिए अच्छी शिक्षा दो दिशा दो सुखी बनें और समाज बनाए भाषा गणित विज्ञान के साथ इतिहास के कि नायकों की कवि कविताएं सुनाएं ये बात हम कल कर रहे थे दर्शकों तो इतिहास के नायक क्यों जरूरी हैं क्योंकि हमारे जीवन का वो कभी हिस्सा रहे हैं भारत भूमि आज जिस प्रकार की है इसमें उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है चाहे वीरांगनाएं ले लें झांसी की रानी रानी दुर्गावती रानी कर्णावती हाड़ी रानी चाहे वीर ले लें पोरस हैं सिकंदर हैं महाराणा प्रताप हैं शिवाजी हैं सभी ने कुछ ना कुछ धरती माँ के लिए किया है भारत भूमि के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया है तो हम उनके चिन्हों पर कब चल पाएंगे जब उनके जैसे संस्कार हमारे अंदर आएंगे संस्कारों की बात चल रही थी तो गुरुकुल की बात आई आप देखिए गुरुकुल में राजा दशरथ के बच्चे भी पढ़े और साधारण मानव भी पढ़े एक ही परिवार में देखिए राम जी को बनवास मिला था भरत जी को तो नहीं मिला था लेकिन भरत जी ने कहा राम भैया जब तक नहीं आएंगे मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा इतना त्याग ये क्या उनके शिक्षक का संस्कार दिया हुआ नहीं था इतना त्याग कोई कर सकता है राम को तो फिर भी वनवास मिला था भरत जी को तो नहीं मिला था बिल्कुल सही लेकिन भरत जी ने क्या किया बाराम भैया जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपकी चरण पादुका ही उस पर रखूंगा तो ये कौन था कराने वाला ऋषियों के वो संस्कार जो उनको गुरुकुल में मिले थे उसी तरह देखिए कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे कृष्ण बन गए द्वारका के राजा सुदामा रहे वही गरीब लेकिन जैसे ही सुदामा उनसे मिलने आए कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं और आज के जमाने में देखिए कि ऐसी मित्रता संभव है कोई छोटा सा मंत्री पद या सरकार में कोई ऊंचा पद भी पा जाता है तो संबंधियों को भी भूल जाता है कृष्ण सुदामा का तो आपस में रक्त संबंध भी नहीं था मित्रता थी तो यह संस्कार क्या गुरु संदीपन की दी हुई शिक्षा के नहीं थे इसीलिए मैं कहती हूं शिक्षा के साथ संस्कार भी दीजिए उनको दिशाएं भी दिखाइए शिक्षा आज केवल लिटरेसी की तरह रह गई है इन्फॉर्मेशन की तरह रह गई है उसे अपने जीवन में कैसे उतारना है ना शिक्षक गण बता रहे हैं ठीक से ना माता पिता बता रहे हैं क्या बात है क्या बात है आपने रामायण की बात की भरत जी की बात की तो मुझे वो बात याद आई उनका त्याग इतना बड़ा है लेकिन वो त्याग करने के बावजूद भी उन्होंने वशिष्ठ जी से ये सवाल पूछा था कि क्या मेरा ये वर्तन जो है वो शास्त्र शास्त्र के अनुसार है तो वशिष्ठ जी ने कितना प्यारा जवाब दिया वशिष्ठ जी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो शास्त्र को जानते हैं लेकिन उसके अनुसार बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करते हैं कुछ लोग इतने कर्मठ होते हैं वो पूरे शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं कुछ लोग तो शास्त्र के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं कुछ लोग बिल्कुल भी शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं शास्त्र का इस्तेमाल अपनी सुविधा से करते हैं लेकिन भरत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वर्तन आदर्श मान के शास्त्र लिखे जाते हैं तुम उसमें से ही हो अगर ऐसा आदर्श वर्तन हमें आज के ज़माने में चाहिए तो हमें क्या संस्कार बच्चों को देने होंगे संस्कारों की बात ही तो अभी हमने की कि गुरु वशिष्ठ ने जैसे संस्कार दिए संदीपन ऋषि ने जैसे संस्कार दिए लेकिन हम आज भी घरों में, में माता पिता और शिक्षक लोग ऐसे संस्कार दे सकते हैं ना बिल्कुल शिक्षा तो उनसे ज्यादा है इनके पास लेकिन आजकल वो कही खोए न... नजर नहीं आ रहे हैं खोए नजर इसलिए आ रहे हैं कि हमने प्राप्तियों को दूसरी तरफ ले गए हैं जी जी कितनी धन की प्राप्ति कितनी पद की प्राप्ति प्राप्ति होगी होगी कितनी कितनी पद सम्मान की प्राप्ति होगी हमने दिशा गलत चुन ली है जी 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 सही है और इसी बात को मैं आगे दोहराऊंगी कि आपने वो त्याग के बारे में कहा और आगे अपना जो आखिरी छंद है उसमें आपने दधी ऋषि का उदाहरण दिया है तो उसके बारे में आप क्या कल अभी आप जैसे संस्कार की बात कर रहे थे कल हमने दर्शकों गांधी जी की बात की थी गांधी जी की माता जी ने उनसे वचन लिया था कि आप मध्य की सेवा नहीं कर सेवन नहीं करेंगे और मांस की भी सेवन नहीं करेंगे तो क्या इस वचन ने गांधी जी को अहिंसा के रास्ते पर नहीं ला दिया नहीं तो लंदन में क्या विदेश में क्या उनके ऊपर इतने प्रलोभन नहीं आए होंगे कि वो इन सब चीजों की वो सेवन कर लें तो ये संस्कार उस माता के दिए हुए तो संस्कार थे क्या बात है तो संस्कार हमको बहुत कुछ गलत करने से रोक लेते हैं बिल्कुल ही सही है बिल्कुल ही सही है और उसमें से ही एक बड़ा संस्कार है त्याग का संस्कार और हम दधीचि ऋषि को ऐसे कि त्याग की हो या दान की मिसाल मानते हो मानते हैं और इसके बारे में आपने लिखा भी है तो उसे आप अगर अधिक स्पष्ट करोगे तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा दधीची मुनि एक ऋषि थे बहुत ही जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो बार बार देवता हार रहे थे हम्म तो देवता बार बार जब हार रहे थे तो उनको इस बात में लज्जे आ रही थी कि हम असुरों से हार रहे हैं असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जी तो तब उनको ये सुझाव दिया गया कि अगर कोई ऋषि अपनी अस्थियों से अपनी स्वेच्छा से महत्वपूर्ण अपनी स्वेच्छा से आपको अस्त्र बनाकर देगा तो आप जीत सकते हैं तो सभी ऋषियों में से दधीची ऋषि आगे आए उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे अपने अस्थियों से शस्त्र बना कर दिया जिसको वज्र कहा जाता है और उसी शस्त्र से असुरों की हार हुई इसलिए दधीजी का ऋषि का नाम दानियों में सबसे ऊपर आता है जीवित रहकर स्वेच्छा से देना कोई छोटा कार्य नहीं है जी, जी। मरने के बाद तो सबको नहीं मालूम कि इसका क्या होने वाला है जी। लेकिन ये शर्त थी उनकी कि जो अपनी स्वेच्छा से देना चाहेगा क्या बात है? क्या बात बात है तो अपने देवताओं की शुद्धता के लिए अपने देवताओं की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग दधीची ऋषि ने किया था बिल्कुल ही इसीलिए उनकी ये मिसाल आज तक कायम है बिल्कुल ही सही है और हमारे राष्ट्र पुरुषों का भी त्याग यही है लोकमान्य तिलक जी की जब मृत्यु हुई थी तब उस समय के वर्तमान पत्र में आया हुआ था हेडिंग ही था जैसा त्याग दधीची ऋषि ने देव कार्य के लिए किया वैसा ही त्याग लोकमान्य तिलक जी ने देश कार्य के लिए किया ये बहुत ही बड़ी बात है अगर राष्ट्र कार्य के लिए या फिर किसी अच्छे कार्य के लिए कोई कितना बड़ा दान इससे कोई कैसे भला कर सकता है कि अपनी अस्थियाँ भी हम अर्पण करें बहुत ही बड़ी बात बहुत ही आदर्श बात आपने बताई है और यहाँ पे आपने जिस यज्ञ का उल्लेख किया है वो यज्ञ कौन सा है मैं आपको सुनाती हूँ हम बने बुझाए ईश्वर की पति धरा को पावन कर दे प्रेम के सागर के हम बच्चे सबकी झोली सुख से भर दे बने ददीची धर्म यज्ञ में अपने तन मन और प्राण दे दुख दर्द के पड़े भवर में उस मानवता को त्राण दे तुम हो दाता के दाता बच्चे सबको देना ही उपकार मान ले वाह नए वर्ष के प्रथम प्रहर में आओ खुद से वचन मांग ले अब इसमें आप दो शब्द देखिए एक आपने पूछा कि दधीची ऋषि की उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया मानवता को त्राण त्राण माने रक्षा करना जी जी आज मानवता चारों तरफ करनाही कर रही है ना आप समाज में देखिए किसी भी वजह से आरक्षण की वजह से या दूसरे कारणों से जो सक्षम लोग हैं उनको पद नहीं मिलता है जी जो उनसे कम सक्षम है वो उनके ऊपर ऑफिसर बनकर आ जाते हैं जी। तो उनके अंदर हताशा आती है और दूसरा कम योग्य व्यक्ति अगर ऊपर के पद पे आ जाएगा तो सारी व्यवस्था गिर जाती है बिल्कुल तो ये कैसे हुआ सरकारी तंत्र की गलती से कहें या किसी भी हमारे विधान की गलती से कहें तो इसीलिए दुख दर्द की भवर में पड़ी हुई है मानवता तुम होता के दाता बच्ची सबको देना ही उपकार मान ले सबको देना मुझे सबको देना है किसको दूं और किसको ना दूं जैसे मैंने एक और उसमें छंद में लिखा था ये मेरा काम नहीं है वर्षा बरसती है तो सबको दे कर जाती है क्या बात है चाहे सूखी भूमि हो चाहे रेगिस्तान हो चाहे पहाड़ हो चाहे सागर हो वो देखती नहीं है ऐसे ही मेरा जीवन भी होना चाहिए क्या बात है तो हमें दाता बनने की प्रतिज्ञा करनी है और हमें सबको देते रहना है बांटते रहना है आप और कुछ आप और कुछ इस कविता के बारे में कहेगी दाता शब्द को लीजिए। हाँ। हम दो तरह से दे, देना सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास होगा तो मैं दूंगा <laughs> और कुछ लोग कहते हैं दूंगा तो होगा <laughs> अब हम इंग्लिश में क्या कहते हैं गिव एंड टेक जी जी। कभी टेक एंड गिव नहीं कहते हम्म बराबर है लेकिन हमेशा लेना ही तो चाहते हैं सब बराबर है इस को चेंज करना चाहिए तो देंगे तो देंगे मिलेगा ना जी बीज डालेंगे तो फल अवश्य निकलेगा और जितना हम देंगे उससे दुगना मिलेगा इसलिए मैंने कहा दाता के बच्चे दाता बने जी जी क्या बात है क्या बात है बहुत खूब तो हमें ऐसी प्रतिज्ञा करनी है कि हमें दाता बनना है सबको देते रहना है और कब हम देंगे हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ होगी तब हम दूसरों को दे सकेंगे हम खाली होंगे तो हम किसी को दे नहीं सकेंगे इसलिए पहले खुद को भरना है आनंद से प्रेम से खुशी से शांति से सुगुन से खुद को पहले भरना है और ये सारे गुण दूसरों को देने हैं प्रेम सुख शांति समाधान दोस्तों कैसे होता है हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसमें अंतर नहीं करते हैं ये बड़ा आदमी है तो उसे हम ज़्यादा देंगे ये छोटा है तो उसे कम देंगे ये हमारा स्वभाव नहीं है क्योंकि हम भारतीय हैं और भार और भारत की संस्कृति में संस्कार कुट कुट के भरे है एकता हमारे इस देश का बहुत ही बड़ा आदर्श है तो अभी हम बात करने वाले हैं उसी एकता के बारे में आपका है एक बहुत ही प्यारा मुक्तक है एकता में। उसके बारे में आज हम जानेंगे आपने इसमें कहा है बूंद में बूंद मिल जाए बूंद में बूंद मिल जाए गहरा सागर बन जाती है बूंद में बूंद मिल जाए गहरा सागर बन जाती है धागे में धागा मिल जाए सुंदर चादर बन जाती है अक्षर में अक्षर मिल जाए अक्षर में अक्षर मिल जाए नई कहावत बन जाती है कुछ ईटें पत्थर जोड़कर नई इमारत बन जाती है क्या क्या खूब कहा है आपने इस मुक्तक में कि एकता इन छोटी छोटी चीज़ों में भी नज़र आती है तो इनसे हम अपने जीवन को आदर्श कैसे भला बनाएं ये सब जड़ वस्तुएं हैं जिनका मैंने वर्णन किया जड़ वस्तुएं जुड़कर हम इतनी सुंदर चीजें बना सकते हैं। हैं, तो तो हम तो मानव हैं। जिसके पास बुद्धि भी है जिसके पास सोचने समझने की शक्ति भी है जिसके पास एहसास भी है थी, थी। धागे से धागा जुड़ने के बाद हमको पता है चादर बन गई धागे को ये एहसास नहीं आता है कि मैं जुड़ गया हूँ या अकेला हूँ जी लेकिन फिर भी वो जुड़ता है और हमको चादर या रुमाल या जो भी चाहिए वो देता है बिल्कुल बिल्कुल तो जड़ वस्तु को जोड़कर अगर हम इतनी सुंदर रचना कर सकते हैं तो, तो, तो चीजें जुड़ जाएं अगर तो संसार कैसा हो तो आप कहना चाहते हैं कि मन के धागे हमें जोड़ने चाहिए लेकिन वो धागा प्रतीक है मन के धागे जोड़ने चाहिए। वो धागे जोड़े कैसे आजकल लोग अपनी ही दुनिया में खोए हैं मोबाइल <laughs> ही पूरा दिन देखते रहते हैं तो हम मन के धागे जोड़े कैसे भला किसी ने बहुत सुंदर कहावत कही है कि आपको बनना है तो सुई बनिए कैंची मत बनिए। वाह तो कैंची बनेगी तो काटेगी <laughs> और सुई बनेगी तो बेशक सुराख करेगी आपको छेदेगी लेकिन जोड़ देगी हम्म सही है तो इसलिए छोटी सी सुई बड़ी सी कैंची के कटे वो को अगर जोड़ सकती है तो हम अपने शुभ भावना की सुई से क्यों नहीं फटी चादर को सी सकते एक दूसरी कहावत भी मुझे याद आती है कथरी पर फूल काटना आसान है जीवन की चादर में बूटे निकालना मुश्किल है वाह क्या खूब कहा क्या खूब कहा तो इस जीवन की चादर को सुंदर कैसे भला बनाए उसी को तो मैंने लिखा है ना अच्छा? बूंद में बूंद मिल जाए तो गहरा सागर बन जाती है धागे में धागा मिल जाए सुंदर चादर बन जाती है अक्षर में अक्षर मिल जाए नई कहावत बन जाती कुछ ईटे पत्थर जोड़कर नई इमारत बन जाती अब नीचे वाली ईट अगर कह दे कि मेरे ऊपर ऊपर ईट क्यों रखी हाँ। तो क्या इमारत बन सकती है बिल्कुल नहीं तो किसी ना किसी को अपनी सहन शक्ति रखनी पड़ेगी कि दूसरा मेरे ऊपर क्यों खड़ा है तब हम जोड़ सकते हैं। क्या बात है क्या बात है क्या बात है हर नीचे वाली ईट को पता है कि मेरे ऊपर दूसरी ईट रखी जानी है तभी तो दीवार बनेगी जी, जी। तो उसी को मैंने कहा है कि अगर मुझे थोड़ा दबना भी पड़ता है अपने परिवार की भलाई के लिए अपने समाज की भलाई के लिए अपने देश की भलाई के लिए हाँ तो झुक जाए थोड़ा सहन कर ले। बिल्कुल, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं ये सहनशीलता ही बहुत कम हुई है। इसका कारण आपको क्या लगता है मानसिक शक्ति कम है ना जी जी और मनोबल बढ़ता है अच्छा साहित्य पढ़ने से अच्छा सांग साथ करने से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से शिक्षा के साथ संस्कार की बात हम अभी उस उसमें कर ही चुके हैं। जी जी। संस्कार हमें जोड़ना सिखाते हैं। जी जी संस्कार हमें जोड़ना सिखाते हैं जी 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 बराबर इसी में मैंने आगे कहा है कागज जब आपस में मिल जाए तो वही तो पुस्तक बन जाए सातों सुर मिलकर गूंजे तो मीठी सरगम बन जाए वाह क्या खाली एक शाह से मैं कोई गीत बना सकती हूँ बिल्कुल नहीं। खाली एक गा से मैं कोई गीत बना सकती हूँ मीठी धुन बन सकती है नहीं तो अगर सातों सुर आपस में मिल जाए तो कितना मन को आराम मिलता है आप कितने भी थके हुए कहीं से आइए छोटा सा मीठा सा संगीत का कोई गाना सुनिए कितना सुकून मिल को मिलता है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही <laughs> नब में तारे नब में सारे रंग मिल जाए इंद्रधनुष वो बन जाए एक से एक मिले जब भी वही तो ग्यारह बन जाए वाह क्या बात है क्या बात है इसमें आप क्या दर्शाना चाहते हो इसमें मैंने एक दूसरा मुक्तक भी लिखा हुआ है अच्छा जीवन के गणित में एक अंक तुमको मिला एक मुझको मिला हाँ हाँ जीवन के गणित में दो ही अंक है तुम है हाँ हाँ दोनों पास पास बैठे तो ग्यारह हो गए हा, अच्छा अच्छा क्या सफलता बात है? के क्षेत्र में बारह हो गए यदि कभी आप ऊपर और मैं नीचे कभी मैं नीचे और आप ऊपर तो 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 जीरो हो जाएगा जी बिल्कुल है, बिल्कुल है है तो एक से एक मिलेंगे तो बनेंगे दोस्तों और ग्यारह बनेंगे तो हमारी शक्ति स्वतः ही बढ़ जाएगी ना तो इस शक्ति को कैसे बढ़ाए नब में सारे रंग मिल जाते इंद्रधनुष वो कहलाते एक से एक मिले जब भी वही तो ग्यारह <laughs> क्या बात है क्या बात है लेकिन उस शक्ति को बढ़ाए कैसे शक्तियाँ लेनी तो है भगवान से जैसे हमने कहा लेकिन बढ़ा कैसे सकते हैं शक्तियों को <laughs> आजकल के मैं देखती हूँ युवक थोड़ा कुछ काम करते ही थक जाते हैं पहले के जमाने में आप जैसे लोग थे वो घंटों तक कुछ काम काज करते थे फिर भी थकते नहीं थे आजकल थोड़ा सा कुछ करने से ही वो थकान आ जाती है तो शक्तियों को बढ़ाए कैसा चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो मन के हारे हार है मन के जीते जीत ये जी। तो आपने बहुत बार सुना है ना जी। सबसे पहले मन थकता है हमारा अच्छा। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है अच्छा अगर तन में थकान होगी फिर भी अगर मन में उत्साह है तो आप कर जाएंगे अच्छा आप देखिए घर में जब कोई विवाह होता है या कोई भी उत्सव होता है किसी बच्चे का जन्मदिन है किसी के विवाह का उत्सव है किसी ने और कुछ मनाया है अपने परिवार वालों को ऐसे ही संबंधियों को बुलाया है तो कितने हम सतर्कता से कितनी सुंदरता से सारे घर को सजाते हैं जी। तब भी तो हमारे पास वही चौबीस घंटे होते हैं जी, जी तब भी तो धन उतना ही होता है तब भी तो करने वाले व्यक्ति उतने ही होते हैं क्योंकि मन में उत्साह है मन में उत्साह हमसे बहुत कुछ करा जाता है इसलिए अपनी हर कविता में मैंने लगभग यही कहा है कि मन में उत्साह भरिए इसलिए कविता किताब का नाम ही क्या रखा है हर, हर पल उत्सव उत्सव वो।, वो जो मुझ में और औरों में सब में उत्साह जगाए जी जी बिल्कुल बिल्कुल और हमें भी वो उत्साह जग रहा है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी आपकी ये उत्साह उत्साह का का क्या क्या है क्या है है स्रोत <laughs> आप बताइए झरना कैसे निकलता धरती से झरना तो पहाड़ पे से ऐसे निकलता है और आता है पहाड़ में से गिरता है ना जी लेकिन कहीं से कोई सुराख मिलता होगा तभी तो पानी बाहर आता होगा तो धरती को कट पहाड़ को कटना पड़ा ना वहाँ से तभी तो पानी बाहर आएगा जी जी तो ऐसे ही अगर मैं कहीं झुक जाऊं कहीं कट जाऊँ तो आ जाएगा ना पानी बाहर हट जाऊँ कटने का क्या मतलब अपने क्षेत्र से थोड़ा सा इधर हो गया अपने क्षेत्र से थोड़ा सा इधर हो गया तो पानी को रास्ता मिल गया जी लेकिन आजकल तो कोई झुकना जानता ही नहीं झुकना पसंद ही नहीं करता <laughs> पसंद ही तो सुधारनी हमको अच्छा अच्छा हाँ, सही कहा सही कहा आगे भी आपने इतना सुंदर लिखा है आओ आगे बढ़कर हम आपस में हाथ मिलाए संबंधों में रचकर जीवन मधुर गान सा बन जाए सारे शिकवे गिले भुला कर दिल से दिल को आज मिलाए फिर से जग में अपना भारत स्वर्णिम भारत गाया जाएगा <laughs> क्या मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक हाथ मुझे बढ़ाना है एक हाथ आपको अच्छा तो दोनों अपना हाथ आगे बढ़ा दिए मिलना आसान हो गया <laughs> तो ऐसे ही आओ हम आगे बढ़े कुछ आगे आप बढ़िए एक कदम आग बढ़िए एक कदम मैं बढ़ती हूँ दोनों मिलके गले मिलते हैं और सारे गले शिकवे भूल जाते हैं जब एक बात? से एक मिलके ग्यारह बने तो उसके आगे एक एक लगाते जाइए गिनती हमारी पदम को भी पार कर जाएगी क्या बात है क्या बात है ऐसे ही मेरा भारत फिर से सारे संसार में महान बन जाएगा मेरा भारत महान हम रोज गाते हैं ना <laughs> तो उसको साकार करिए ना बंधुओं आ जाइए हम सब मिलकर भारत को फिर उस चोटी पे ले जाते हैं जो कभी था जो जगत गुरु कहलाता था क्या बात है क्या खूब कहा आपने जैसा कहा वैसा ही करके हम सब भारत को एक महान राष्ट्र बनाएंगे खुशी की सौगात सव, सब सबको बाँटेंगे धन्यवाद आपने इतनी खूब बातें हमें बताई और एकता जो आपका मुक्तक है बहुत ही प्यारा था वैसे सभी कविताएं है, प्यारी हैं लेकिन वो खुशी की खुराक हमें खाने को मिली आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों आज हमने जाना एकता इस मुक्तक के बारे में जो लिखा है सीता गुप्ता जी ने और उससे पहले प्रतिज्ञा जो उनकी कविता थी उसका आखिरी छंद भी हमें देखा हमने देखा तो हमें खुशियों की सौगात सबको बांटनी है और भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है अपने गीले शिकवे अपना अहंकार भूल के सबके पास जाना है सबको प्यार देना है सबको खुशियाँ देनी है और बस खुशी के झूले में झूलते रहना है तो बने रहिए नमस्कार